नमस्कार साथियों, जैसा कि आज आप सभी को पता है कि टोहाना शहर चारों तरफ से पानी से डूब चुका है। चाहे हमारा हिसार रोड मार्ग हो या चंडीगढ़ मार्ग हो, पुरानी सब्जी मंडी, मिलन चौक, बस स्टैंड और यहाँ तक के सिविल हॉस्पिटल में भी जल भराव तेजी से भरता जा रहा है। अभी आपको मैंने वीडियो दिखाई है, शुरू में शूट की है, मेन गेट की वीडियो है। मैं आपको पुनः दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार टोहाना में ये समस्या। ये देखो, ये सरकारी मेडिकल है जो हमारा, ये उसका दृश्य आपको दिखा रहा हूं मैं। साथियों, बारिश तो भगवान की देन है, इसको कम ज्यादा हम नहीं कर सकते, ये तो परमात्मा के हाथ है। लेकिन उसके जो जल भराव होता है बारिश के कारण, उसको दूर किया जा सकता है अगर समय रहते कोई बंदोबस्त किया हो। लेकिन हमारे यहां इस प्रकार का कोई भी बंदोबस्त नहीं है। जो आज हमारे एसडी एक्शन है टोहाना आदर्श सिंगला, वो यहां एसडीओ रहे हैं, एसडीओ से एक्शन तक बन चुके हैं, लेकिन आज तक शहर की ओर कोई भी इस प्रकार का प्रोजेक्ट या कोई भी ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया गया कि अगर शहर में कोई इतने एमएम बारिश आ जाए तो इससे बचने का हमारे पास ये रास्ता है। इसके लिए हमने ये किया है, चारों तरफ आज शहर डूबा हुआ है, लोगों को नींद नहीं आ रही कि उनके घरों में पानी भरा हुआ है। बहुत ऐसे मात्रा में घर है जो पानी में डूबे हुए हैं। चारों तरफ से ये समस्या बार बार कॉल आ रही है हमारे पास कि पानी इतना हो गया, इतना हो गया, रात को नींद नहीं आएगी। जिनके मकानों में अभी पानी भरा हुआ है तो रात की बारिश तो अभी बाकी है, पूरी रात पड़ी है, लेकिन इस प्रकार का कोई भी ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया गया जो इस समस्या को खत्म किया जा सके। पूरब में हमारे विधायक रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भाजपा सरकार के, एक मजबूत नेता थे। उन्होंने कहा था कि चुनाव जीतने से पहले कि मैं एक इंजीनियर हूं और मैं एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करूंगा कि टोहाना से जल भराव की समस्या को सदा सदा के लिए खत्म करूंगा। लेकिन हुआ क्या, 5 साल सत्ता सुख भोग कर चले गए और आज भी पानी की जो समस्या है शहर में ज्यों की त्यों है। अब हमारे कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली टोहाना से हैं, अब भी हमारी यह समस्या दूर नहीं हुई तो कब होगी? 3-3 शक्तिशाली नेता हमारे टोहाना से सरकार के अंदर है। जजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री निशांत सिंह जी, वो टोहाना से हैं। उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन श्री सुभाष बराला जी, वो टोहाना से हैं। कैबिनेट मंत्री श्री देवेंद्र सिंह बबली जी, वो टोहाना से है। उसके बावजूद भी ये समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज टोहाना शहर चारों तरफ से डूबा हुआ है पानी से। अभी तो रात बाकी है, कितनी एमएम बारिश और होनी है इसका कोई अंदाजा नहीं है किसी को। अरे, जो दिन का पानी, कल बारिश हुई थी उसका पानी आज तक नहीं निकला, तो कैसे रात का पानी कैसे निकलेगा? तो भाई, आज आप लोग चैन से सो सकते हो अपने घरों में, लेकिन जो एरिया नीचे है, पुरानी सब्जी मंडी, मिलन चौक, रामनगर, गुप्ता कॉलोनी, सरकारी मेडिकल का एरिया है, बाईपास, चंडीगढ़ रोड, हिसार रोड, तो ये सारे एरिए आज पानी से डूबे हुए हैं। उनको रात को नींद नहीं आएगी, ना जाने किस किस के घर में ये पानी जाएगा, कितने घरों को बर्बाद करेगा, कितने मकानों को गिराएगा, कितने लोगों को परेशान किया है, आज आप सभी के सामने है। तो ये अकेली कोई मेरी समस्या नहीं है, जनता की समस्या है। तो मैं आज एक डिलीवरी केस में सिविल हॉस्पिटल टोहाना आया हुआ हूं, तो मैंने देखा चारों तरफ से हमारा जो सरकारी मेडिकल है ये भी जल से भरा हुआ है, कोई जाने का, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अरे, ये तो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है, इसको बचाने के लिए तो कोई इस प्रकार का पुख्ता इंतजाम आपका होना चाहिए कि भाई सरकारी मेडिकल के अंदर तो एक मिनट भी पानी नहीं रहना चाहिए। इस पानी से बीमारियां फैलेंगी, यहाँ पहले बीमार लोग हैं, उनको मारने का काम करेगा ये पानी। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से आपसे अनुरोध है कि टोहाना की ओर भी ध्यान दें, टोहाना की ओर भी आप विशेष ध्यान दें। मनोहर लाल जी, हमारे टोहाना शहर से 3-3 बड़े नेता आपकी सरकार में हैं और आपके दोनों सरकार में जो टोहाना की भागीदारी रही है,
चाहे वो पिछला सेशन हो पांच साल का या ये सेशन हो, दोनों बार आपकी सरकार में हमारे टोहाना से विधायक है, उसके बाद भी टोहाना आज खून के आंसू रो रहा है। तो हमारी प्रार्थना है ये कागजों में ही आप प्रोजेक्ट बना बना कर इसके ऑफिसों तक सीमित ना रखकर इसका कोई पुख्ता इंतजाम किया जाए। पुरानी सब्जी मंडी से लेकर हिसार रोड, चंडीगढ़ रोड से रंगोई नाले तक मेरी आपसे अपील है कि 5 फुट चौड़ी सीवरेज लाइन डलनी चाहिए, तब जाकर इस समस्या का कोई हल होगा। इस छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाकर चाहे 35 करोड़, 40 करोड़, 100 करोड़ जितने मर्जी लगाते रहो, इस समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसका कोई विशेष टीम भेजकर टोहाना का आप मुआयना करवाएं। बारिश के दिनों में आज आप हमारा हाल देख सकते हो, हमारी माताएं रो रही हैं, हमारी बहनें रो रही हैं जिनके घरों में पानी है, आज उनको खाना बनाने के लिए भी कोई जगह नहीं है, 3-3, 4-4 फीट उनके घरों में पानी भरा हुआ है, हर तरफ से लोग परेशान है। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री आपसे यह अपील है, और माननीय जो हमारे विधायक है यहाँ से कैबिनेट मंत्री है देवेंद्र सिंह बबली जी, आप टोहाना की जनता ने आपको 1 लाख+ वोट देकर जिताया है, तो आज टोहाना के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो तुरंत प्रभाव से इस प्रकार का कोई एक्शन लेते हुए, ये जल भराव की समस्या है, चाहे आरजी तौर पर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट कोई हो यहाँ पानी निकासी का, उसको तुरंत प्रभाव से अमल में लाने का काम करें। आज शहर टोहाना चारों तरफ से डूब चुका है, पुरानी सब्जी मंडी, मिलन चौक और रामनगर के लोगों को तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि उनके घरों में 3 से 4-4 फीट पानी भर चुका है, लोगों के मकान गिरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। तो इस समस्या को देखते हुए अभी रात की बारिश बहुत बाकी है, और जो ये मोटरें हमारी लगी हुई हैं, जो नहीं चल रही उसको तुरंत प्रभाव से चलाने का काम करें, और जो शहर में जल भराव की समस्या है जो तुरंत प्रभाव से खत्म करने के लिए कोई आरजी तौर पर कोई प्रोजेक्ट तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। आपातकाल स्थिति में कुछ भी हम कर सकते हैं, और इसका परमानेंट सलूशन कोई ना कोई आप बाहर से टीम लाकर, अगर टोहाना के हमारे इंजीनियर के पास कोई मेन प्रोजेक्ट नहीं बन पा रहा इस पानी निकासी का, तो बाहर से कोई चंडीगढ़ से विशेष टीम बनाकर इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर चंडीगढ़ हिसार रोड पर बड़ी पाइपलाइन डालकर रंगोई नाले तक भेजने का काम करें, ताकि ये जल भराव की समस्या आगे ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।